रेत माफियों के विरुद्ध तहसीलदार की बड़ी कार्रवाई। तहसीलदार के द्वारा की गई कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में दहशत का माहौल। अवैध भंडारण पर सख्त कार्रवाई से माफियों में हड़कंप की स्थिति है। पूरा मामला तहसील चांद के ग्राम पंचायत बादगांव की पेच नदी तट का है, जहां पर कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार तहसीलदार सुनन्या ब्रह्मे के नेतृत्व में राजस्व अमला ने खनिज माफियों पर लगाम कसने छापामार कार्रवाई की। मैडम, कितने घन मीटर पकड़े गए थे? ये लगभग 626 घन मीटर पकड़ा गया है। मैडम, इनकी अनुमानित लागत क्या होगी? रॉयल्टी मूल्य के हिसाब से इसकी अनुमानित लागत 62,600 रुपए। तहसीलदार ने बताया कि बादगांव पेच नदी घाट पर लगातार अवैध रेत उत्खनन की शिकायत मिल रही थी। शनिवार को सूचना मिलते ही राजस्व विभाग, चांद पुलिस विभाग का अमला तट पर पहुंचा तो पाया कि क्षेत्र पर पेच नदी से लगभग 626 घन मीटर रेत का अवैध भंडार रेत मौके पर पाया गया, जिसकी जब्ती बनाकर प्रकरण का प्रतिवेदन पंचनामा पृथक से विधिवत कार्रवाई हेतु विभागीय अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आज तहसीलदार महोदय चांद के साथ एवं माइनिंग इंस्पेक्टर छिंदवाड़ा से आए हुए थे। उनके साथ में थाना चांद की पुलिस भी गई हुई थी। ग्राम बादगांव में करीब 300 ट्राली का अवैध स्टॉक। सर, ये रेत किसकी है? अभी इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, जांच की जा रही है इस बारे में। उल्लेखनीय है कि माफिया बेखौफ होकर दिन रात न केवल नदी से रेत का अवैध उत्खनन कर रहे, बल्कि उसका भंडारण व परिवहन भी कर रहे हैं। लंबे समय से इस तरह की कार्रवाई की मांग क्षेत्रवासियों के द्वारा की जा रही थी, लेकिन कार्रवाई के अभाव में माफिया बेलगाम हो चुके थे। माना जा रहा है कि शनिवार की कार्रवाई के बाद रेत के अवैध कारोबार दहशत में आ गए। छापामार कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ग्रामीण जन भी इस कार्रवाई से खुश है। सिटी इन भारत से विनोद माहौरी की रिपोर्ट, चांद।